प्रक्रिया की शुरुआत महिलाओं को 10 साल पहले पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना होता है। उसके बाद महिला नागा साधु की गुरु को यह निर्णय करना होता है कि संबंधित महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं अथवा नहीं, तथा इस आधार पर ही साधु बनने का फैसला गुरु द्वारा लिया जाता है। महिला का नागा संन्यासन बनने से पहले मुंडन किया जाता है तथा महिलाओं को नागा संन्यासन बनने से पहले अपने मुंह तथा परिवार त्याग की भी परीक्षा देनी होती है। महिला नागा संन्यासन बनने की अगली प्रक्रिया के तहत महिलाओं को पहले स्वयं का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है, यानी वो खुद को मृत मान लेती है। संन्यासन बनने की आगे की प्रक्रिया में अखाड़े में साधु संतों द्वारा संबंधित महिला के घर परिवार की जाँच की जाती है। संन्यासन बनने के बाद कुंभ में नागा साधुओं के साथ महिलाएं संन्यासन भी शाही स्नान करती हैं। अखाड़े में भी महिला सम्मान का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तथा नागा संन्यासन को अखाड़े से भी साधु और संत माता कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।